हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन एंड विवेक। सो गाइज, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के आइडिया लग ही चुका होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। जी हाँ गाइज, ये है क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन जो कि लॉन्च होने वाली है। बिल्कुल गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, क्लासिक 350 का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, लॉन्च होने वाला है। और इस गाड़ी के एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन पिक्चर हमको मिली है। जी हाँ गाइज, ये जो पिक्चर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन पिक्चर है। तो आइए आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स, और इसके साथ साथ बताऊंगा आपको कि इस गाड़ी में क्या खासियत है। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। दिखाते हैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन पिक्चर। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये पिक्चर? जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव सिंगल स्नैप हमको लेने की परमिशन मिल गई थी और ये सिंगल एक्सक्लूसिव स्नैप है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। इसके सिवाय और कोई भी पिक्चर्स जो अगर आपने कहीं इंटरनेट पे देखे होंगे तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन बाइक के पिक्चर्स नहीं हैं, और ये फोटोग्राफ भी एक्चुअल रॉयल इनफील्ड फैसिलिटी के अंदर से ली गई है। तो गाइज, इसकी डिटेल्स आपको ज़रूर बता सकता हूँ, तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल्स। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो न्यू क्लासिक जनरेशन 350 में जो इंजन आपको मिल रहा है, ये मीटियोर 350 के साथ जो इन्होंने नया नेक्स्ट जनरेशन इंजन लॉन्च किया है, यही आपको मिलने वाला है। तो जो हमारा कन्वेंशनल UCE, जिसे कि हम यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन कहते थे, ये रिप्लेस हो रहा है जे जनरेशन के इंजन के साथ। तो अब इसमें जो आपको इंजन मिलेगा वो जे सीरीज ऑयल एयर एंड ऑयल कूल्ड 349 cc का आपको इंजन मिलेगा, जो कि आपकी मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा वो 27 Nm होगी एट 4000 rpm, एंड जो मैक्सिमम पावर ये गाड़ी आपको देगी वो होगी 19.8 bhp एट 5800 rpm। गियर बॉक्स की बात करता हूं अगर मैं, तो अगेन गाड़ी का गियर बॉक्स जो है ये फाइव स्पीड कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होगा। और हाँ, इस इंजन में एक और चीज है जो कि आप लोग डेफिनेटली चेंज फील करेंगे, वो ये है कि इस गाड़ी में अब आपको किक नहीं मिलेगी। तो गाइस, किक ना मिलने की वजह से अब जो लोग बुलेट को एंजॉय करते थे किक से, वो फैसिलिटी अब आपको नहीं मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगेन सेम रहेगी, 13.5 लीटर की EFI इंजन भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसमें जो मेजर चेंजेस यहाँ पे किए हैं कंपनी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चेसिस अभी तक सिंगल डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम होता था, इसको रिप्लेस कर दिया है अब ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम के साथ। टायर्स अगेन वही रहेगी कॉन्फिग्रेशन जो पहले थी हमारी क्लासिक में 19 एंड 18, और आपको जो फीचर्स पहले क्लासिक में मिलते थे, यानी कि अलॉयज एंड स्पोक्स के ऑप्शन जो आपको पहले मिलते आए हैं, वही आपको इसमें भी मिलेंगे। अब एक स्टैंडर्ड फीचर जो अब क्लासिक में हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, वो ये है कि आपको गाड़ी में हमेशा डबल चैनल ABS ही मिलेगा। तो जो क्लासिक में सिंगल चैनल ABS की फीचर भी अभी तक आपको मिलती थी, अब वो हट रही है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जो यहाँ पे ब्रेक्स हैं, इनमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा जो चेंज किया जा रहा है वो ये है कि आगे के जो डिस्क ब्रेक हैं वो 300 mm के हैं, और पीछे के जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो 270 mm के हैं।
उसके साथ साथ अगर सस्पेंशन की बात करें तो अगला सस्पेंशन जो है क्लासिक का, अगेन इट वुड रिमेन द सेम, टेलीस्कोपिक फॉर्क्स ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। और अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर में भी जो गैस चार्ज शॉक अब्जॉर्बर्स थे अभी तक क्लासिक में, वो ही रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो गाइस थोड़ा सा इसमें जो चेंज आपको दिखने वाला है वो ये है कि जो आपका एम्प मीटर था उसको रिप्लेस करके वहाँ पे टिपर नेविगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और इसमें ऐड ऑन हो रही हैं। जो ऐड ऑन हो रहा है वो है इसमें अब आपको एक फ्यूल मीटर और ट्रिप मीटर भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्विचेस हैं वो भी बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, तो रोटरी स्टाइल स्विचेस आपको मिलेंगे जैसे कि आपने मीटियोर में देखे हैं, तो रोटरी स्टाइल स्विचेस आपको मिलेंगे गाइस। और उसके साथ साथ जो आपके कन्वेंशनल योक्स थे यानी कि जो आपके मास्टर सिलेंडर हैं वो भी चेंज हो रहा है इसमें, और इसके साथ साथ जो आपका क्लच का योक था जो कि अभी तक बहुत ही एक यू कैन से एक देसी लुक होता था, वो चेंज होके अब आपको मीटियोर के लुक में मिलेगा। तो गाइज ये थे कुछ फीचर्स जो कि क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अलग होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कलर्स की, तो ये गाड़ी जिन कलर्स में अवेलेबल थी उन्हीं कलर्स में आपको अभी भी मिलेगी, इनमें कलर्स में कोई सिस्टम नहीं होगा। हाँ, सीट्स में थोड़े से बदलाव किए जा रहे हैं, तो सीट्स जो हैं अब आपको सम वॉट मीटियोर के पैटर्न में देखने को मिलेंगी, और जो इसकी रियर टेल लैंप का जो ऑप्शन आपको मिलता था वो भी थोड़ा सा चेंज है। सो दिस इज अ मेजर चेंज दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लासिक 350। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गाड़ी के कुछ एक्सक्लूसिव प्रीव्यू शॉट्स भी आपको दिखाएं। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। बाय बाय।